हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स यानी कि लीनियर एलजेब्रा के चैप्टर 3 का एक और टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है वैसे तो, फिर भी ये भी इम्पोर्टेंट है, आज हम उसको पढ़ेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, फिर उसके बाद जो हमारी कल वाली वीडियो थी उसमें हमने सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल पर फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी सारी वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी लगभग 4 या 5 पार्ट बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक है। उसमें आपको समझाया गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सब स्पेस वेक्टर स्पेस सभी चीजें उसमें समझाई गई है, तो आप उसको भी जाके जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है आज हम पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही पढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। तो देखिए, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर अ फील्ड एफ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, यानी कि अगर हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो 2x2 की है, यानी कि 2 रो 2 कॉलम, तो हम कहते हैं वहां पर ऑर्डर 2। और यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, तो हमको पता नहीं है कि उसकी रो कितनी है, उसकी कॉलम कितनी है, हमको पता नहीं है। ठीक है, ओवर अ फील्ड एफ, ए फील्ड एफ में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, ये हमको कहा गया। ठीक है, देन द ट्रेस ऑफ ए इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। तो यह कहना चाह रहा है कि तो उसके बाद जो ट्रेस ऑफ ए होगा यानी कि उसी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि जैसे मैं कहूं एक मैट्रिक्स है उसके जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका जो सम होगा, जैसे ये है एक मैट्रिक्स, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जैसे हमने कहा कि एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑफ ऑर्डर 3, एक फील्ड एफ में है, तो द ट्रेस ऑफ ए जो इसका ट्रेस होगा ना वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है इनका सम होगा। ठीक है, ट्रेस ए इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो ये डायगोनल है इसके जो जितने भी एलिमेंट आएंगे उसका जो सम होगा वो हमारा ट्रेस ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, अगर वो फील्ड एफ में लाई कर रहा है तो उसका जो ट्रेस ऑफ ए होगा वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा, उसके डायगोनल में एक प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि जो मेन डायगोनल है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसका सम होगा। ठीक है, अगर हम कहें अगर ए एक जो मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि एक आई जे के फॉर्म में ये आई होता है रो, जे होता है कॉलम, ठीक है, और एम एन यानी कि ये ऑर्डर बताता है कि किस रो कितनी रो है कितने कॉलम है। ठीक है, तो ये बता रखा है, तो अगर एक मैट्रिक्स ऐसी है तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 ए आई आई, यानी कि देखो जैसे ये होता है हमारा A11 ये होता है, ये होता है A22, ग्यारह टर्म में A22 होता है और ग्यारह टर्म में A33 होता है। ठीक है, A मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर B मैट्रिक्स होता है तो B33 लिखते हैं। ठीक है, AII लिखने का मतलब A11, A22, A33, यानी कि जो ये सेम वाले होते हैं ना, A44, A55, ANN तक जाएगा, ये NN ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ANN तक जाएगा, तो उन्हीं सभी डायगोनल का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रेस ऑफ A होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट से मैं दोबारा से रिकॉर्ड कराता हूँ। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिस जो ऑर्डर एन की है यानी भी किसी भी ऑर्डर की है, अगर वो फील्ड एफ में लाई करती है तो उसका ट्रेस ऑफ ए होगा, वो क्या होगा, उसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका सम ट्रेस ए कहलाता है। ठीक है, यही था, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट, अब जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमको हम थ्योरम भी पढ़ते हैं, जो हमारे एग्जाम में, क्योंकि ही क्या कहते हैं, डेफिनेशन तो कम आती है एग्जाम्स में, ज्यादा क्या आती है, थ्योरम्स आती हैं, थ्योरम से पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन, थ्योरम्स को क्वेश्चन की तरह बना के हमसे पूछ दिया जाता है, तो हम अब कोई थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर अ फील्ड एफ एंड लैम्डा बिलोंग्स टू एफ, देन। अगर कह दें कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एन ऑर्डर की, जैसे ऊपर था एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन की है जो फील्ड एफ में होती है, तो वही चीज कह रहे हैं कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं फील्ड एफ में और जो लैम्डा है, लैम्डा कोई कांस्टेंट है वो एफ में बिलोंग करता है, देन ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा ट्रेस ए, वैसे ही दूसरा ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी और ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, यानी कि ए बी उल्टा हो गया बी ए और ये ट्रेस ऑफ ए खुल गया। ठीक है, यानी कि हमको बताना है
छोरा मुझे कह रही है हमको ये प्रूफ करना है। छोरा हमसे कह रही है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर एन है, एफ फील्ड में लाई करते हैं और लैम्डा एक कांस्टेंट है जो भी एफ में बिलोंग करता है, तो तब बताओ तब क्या होता है, ट्रेस ऑफ लैम्डा लैम्डा ट्रेस ए के बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी के बराबर होता है और ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस बी ए के बराबर होता है। ठीक है, ये टी आर हम ट्रेस को हम टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ के सभी लोग। अब हम प्रूफ करते हैं, पहला प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, अब मान लें कि हमने जो ए मैट्रिक्स है वो ए आई जे के फॉर्म की है, एन क्रॉस एन उसका ऑर्डर है। ठीक है, तो लैम्डा ए यानी कि हमने दोनों जगह मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय लैम्डा लिख देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय लैम्डा, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, हमने इसको दोनों साइड से लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स ऐसी होगी। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, अब हम जब ट्रेस निकालेंगे तो हमको ट्रेस का हमको पता है, ट्रेस क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम ट्रेस से कहलाता है। ठीक है, तो वही कह देंगे ट्रेस ऑफ लैम्डा ए क्या हो जाएगा, सिग्मा, ये सिग्मा है समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, क्योंकि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो आई इक्वल टू वन एन लैम्डा ए आई आई बोले तो ये ए वन वन टू टू थ्री थ्री और लास्ट एन तक है तो ए एन एन, सभी का सम क्या होगा हमारा ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, यानी कि इज इक्वल टू लैम्डा ये सिग्मा इक्वल टू वन टू ए आई आई। अब हमको ये पता है कि जो हमारा ये था, ये क्या था हमारा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर जब हम लैम्डा को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा हमारा कितना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बनेगा। देखो ये जब हमने इसमें से जो ये था लैम्डा को बाहर निकाल दिया तो हमारा लैम्डा ट्रेस ए बन गया। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ठीक है, हमने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर से हम लैम्डा बाहर निकाल देते हैं ये हो जाएगा 1 0 0 1, यानी कि जो ट्रेस था मैट्रिक्स का वो पुराना पहले जो था मल्टीप्लाई करने से पहले जो था वो मल्टीप्लाई करने इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो वही बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए कितना हो जाएगा, लैम्डा ट्रेस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, जो हमारा पहला प्रूफ करना था ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा ट्रेस ए हमने प्रूफ कर दिया। अब वैसे ही देखो दूसरा क्या प्रूफ करना है हमको, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि ट्रेस ऑफ ए बी यानी कि एक मैट्रिक्स मान ली ए आई जे एन क्रॉस एन की और बी दूसरी मान ली बी बी आई जे एन क्रॉस एन, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमको दोनों का ट्रेस निकालना है। ट्रेस कब निकाल पाएंगे, जब दोनों का क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे। ठीक है, दोनों सेम मैट्रिक्स हैं और इनमें जो लैम्डा है वो एफ से बिलोंग करता है। ठीक है, फील्ड से बिलोंग करता है। तो देखो क्या होगा, अब ए प्लस बी यानी कि दोनों को ऐड कर दिया हमने तो ए आई जे प्लस बी आई जे एन क्रॉस एन होगा, नहीं होगा। अब जब हम इसका ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी यानी कि क्या होगा, इन सभी के डायगोनल एलिमेंट्स का ऐड हो जाएंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू वन एन ए आई आई प्लस बी आई आई। ठीक है, ये बी आई आई बोले तो वही होगा, दोनों का जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 ही होते हैं, 1 2 2 3 ऐसे वाले डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ए आई जे का ए आई आई हो गया और बी आई जे का बी आई आई हो गया। ठीक है, फिर हम सभी पता चला हमको, तो हमने क्या कर दिया, इसको खोल दिया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ए आई आई प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n बी आई आई। ये आई इक्वल टू 1 to n का मतलब है कि 1 2 3 4 n तक चलते रहेंगे ये आई की वैल्यू। ठीक हो गया, सभी सभी लोग। तो अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखो सिग्मा ए आई आई क्या है, ए का ए था तो ट्रेस ए उसकी मैट्रिक्स हो जाएगी प्लस सिग्मा बी आई आई बी की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको ट्रेस ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ए ऑफ ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी मिल गया, यानी कि जो हमको सेकंड प्रूफ करना था। देखो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ऐसे क्या किया हमने, एक मैट्रिक्स मानी ए जो ऐसी थी ए आई जे बी आई जे के फॉर्म में और दूसरी मैट्रिक्स मानी बी बी आई जे एन क्रॉस एन, दोनों की ऑर्डर सेम था तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया ए आई जे प्लस बी आई जे एन एन। जब हमने इसका ट्रेस निकाला तो इनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम हो जाएगा, यानी कि ए आई आई प्लस बी आई आई जहां पर 1 से n तक है। ठीक है, फिर हमने दोनों को स्प्लिट किया, यानी कि जो सिग्मेशन था इसके हाथ भी दे दिया, समेशन को इसके हाथ भी भेज दिया। ये देखो हमने भेज दिया। तो वैसे ही क्या कह रहे हैं, सिग्मा ए ट्रेस ए हो गया ये बराबर और ये ट्रेस बी के बराबर, यानी कि हमारा ट्रेस ए प्लस बी और ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अगला प्रूफ करते हैं। तो देखो हमने अगला प्रूफ क्या करना है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, देखो ये थर्ड पॉइंट हमें प्रूफ करना है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, तो हम चलिए अब उसको प्रूफ करते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी। तो सबसे पहले मान लिया कि ए बी यानी कि अब हम पहले अब इससे ऊपर वाले में हमने क्या माना था, एक मैट्रिक्स ए है दूसरी मैट्रिक्स बी है, अब हमको यहाँ पर ए बी यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो हमने ले लिया ए बी एक मैट्रिक्स है सी आई जे, जो ए बी इक्वल टू सी आई जे है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और बी ए जो है वो भी
क्या कहते हैं डी आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, जहां पर सी आई जे इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 to n, यानी कि जो सी आई जे की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, ये होगी ए आई के बी के जे, ये के है ये भी के जे है, ठीक है। और वैसे ये जब हमने बी ए का प्रोडक्ट निकाला तो डी आई जे एन क्रॉस एन था, तो वैसे ही हमने बी का क्या लिख दिया, डी आई जे इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 n बी आई के ए के जे, हमने ये ले लिया, ठीक है। आप इसको जो मैंने सी लिया डी लिया, आप इसको ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं, आपके डिपेंड है क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट टर्म हमको लेनी होती है तो हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेस ए बी हो गया, अब हम निकालेंगे ए बी का ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि हमें ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए निकालना है। अगर आप ट्रेस बी ए इक्वल टू ए बी निकालना चाहते हैं वो भी सही है, लेकिन हम ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए निकालते हैं, ठीक है। अब तो ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा, देखो सबसे पहले ए बी ये है सी आई जे मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, यानी कि जब हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सी आई आई, यानी कि 1 से लेकर n तक जितने भी एलिमेंट होंगे उसके डायगोनल का सभी का ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये बाहर वाला ये ऐसे ही रहने दिया, लेकिन जो सी आई आई है यानी कि जो ये सी मैट्रिक्स है ना सी आई जे, इसका जो होगा ये इसका जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर से रख दी, ठीक है। इस ये वाली जो वैल्यू है हमने यहाँ पर रख दी सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n ए आई के बी के जे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ समीशन, यानी कि जो ये समीशन था ये अंदर कर दिया हमने और ये वाले समीशन को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। वैसे ये ऐसा क्यों किया, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये है हमारा 2 2 into 4, ठीक है। तो इस जो ये अंदर है 3 into 4, यानी कि जब हम इसको बाहर रखेंगे 3 2 into 4, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो 3 4 12 12 2 24, इसका आंसर भी 24 ही आना है, 4 2 8 8 3 24, इसका आंसर भी सेम ही आना है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको जो प्रूफ करना है उसे उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने अंदर वाले को बाहर, अंदर वाले को बाहर, बाहर वाले को अंदर कर दिया, यानी कि सिग्मा के इक्वल टू 1 to n बाहर आ गया और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n अंदर आ गया। बी के जे यानी कि ये बी के जे और ए आई के जे सभी, अब समीशन को इंटरचेंज कर दिया, तो इन दोनों को भी हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि बी के जे और ए आई के जो था हमारा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 dk के, यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है। समझ गए सभी लोग, ये समझ गए नहीं समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ये सॉरी क्या लिखा मैंने, ये बी होगा और ये ए होगा, ठीक है। ये देखो ये बी आई के, बी आई के और ए के जे, ए के जे, ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो ये जो डी की वैल्यू थी वो हमारे यहाँ पर आ गई, जब हमने इनको अगर आगे पीछे किया तो बी के जे बी ऐसे रह गया और ए आई के दोनों, जब हमने समीशन अंतर चेंज किया तो ये बी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों भी चेंज हो गई, ठीक है। बी ए के साथ आ गया और ए इसके हाथ चले गए, ठीक हो गया, समझ गए सभी लोग। तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, तब सिग्मा के इक्वल टू 1 to n हो गया डी के के, यानी कि जब हम अब डी के क्यों किया, डी के क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा, के इक्वल टू 1 to n d11 d22 d33, ये इन दोनों का सम है ना, बी ए डी आई जे, तो इसकी भी तो कोई मैट्रिक्स बनेगी, डायगोनल एलिमेंट होंगे, तो हमने डी के के लिख दिया सीधे सेम एलिमेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर है, क्यों कह देंगे, क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर दिया है, ठीक है। समझ गए सभी लोग, जो हमारी थ्योरम दी थी और हमने इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने थ्योरम क्या दी थी, हमें थ्योरम दी थी क्या कहते हैं कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एन ऑर्डर की, जो फील्ड एफ में लाई करते हैं, तो बताओ कि ट्रेस ऑफ लैम्डा ए लैम्डा ट्रेस ए के बराबर होता है, हमने दिखा दिया, और ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी के बराबर होता है, हमने वो भी दिखा दिया, और ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है, हमने वो भी दिखा दिया। कैसे दिखाया वो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा से शुरुआत से देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, और जो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का होता है, फटाफट से रिकॉल कर दूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से अगर मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है, सिंपल सी बात मानो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका कितना भी हो, ऑर्डर कितना भी हो हमें कोई फर्क नहीं है पड़ता, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो किसी भी ऑर्डर की है, अगर जब हम उसका ट्रेस निकालेंगे तो उसका ट्रेस क्या होगा, उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स को हम सम कर देंगे, डायगोनल कौन सा, प्रिंसिपल डायगोनल को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा ट्रेस ऑफ ए निकल आएगा। यही चीज है बेसिक चीज, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ट्रेस ऑफ ए का वो यही है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक और चीज, एक और टॉपिक बढ़ लेते हैं आगे, जो इसमें है सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम ट्रेस। पिछली वीडियो में हमने ये देखो, सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम ट्रेस, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी एक चैप्टर के सारे टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं, तो जब हम ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी सिमिलरिटी भी दिखा देते हैं, ठीक है।
सिमिलरिटी भी दिखा रहे हैं हम। तो देखो अब सिमिलरिटी क्या होती है, देखो सिमिलरिटी में मैंने कल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था टी इक्वल टू पी एस पी इनवर्स, यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं अगर वो वेक्टर स्पेस में हैं वो आपस में सिमिलर कब होंगी, जब वहां एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लाई कर रहा होगा जो आपस में ऐसा बना रहे होंगे, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। देखो हमने क्या किया, लेट ए एंड बी बी टू सिमिलर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सी सच दैट, यानी कि सेम चीज है जैसा आपने अगर जिसने सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस वाली वीडियो देखी होगी तो उसको यह समझ में आ जाएगा कि हमने बी इक्वल टू सी इनवर्स ए सी क्यों लिखा, क्योंकि अगर ए बी दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तब वहां एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जो सी होगा, ठीक है, सच दैट बी इक्वल टू सी इनवर्स ए सी, यानी कि हमने ले लिया ये इक्वेशन वन हो गई, हमने लेट मान लिया कि सी इनवर्स ए इक्वल टू डी है तो इक्वेशन टू होगी। अब जो ये सी इनवर्स ए, ये देखो सी इनवर्स ए है तो जो इसकी वैल्यू है ना फ्रॉम इक्वेशन, जो ये डी सी इनवर्स ए की वैल्यू है हम इक्वेशन वन में रख देंगे। मैंने लिखा है देखो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिख दी तो यहाँ क्या हो जाएगा बी, तो बी आएगा इज इक्वल टू सी इनवर्स ए की जगह डी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू डी सी आ गया, ठीक है। अब बी इज इक्वल टू डी सी, अब हमें ट्रेस निकालना था, ट्रेस निकालते टाइम क्या करते हैं हम, ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डी सी, ठीक है, दोनों साइड ट्रेस कर दिया। अब ट्रेस ऑफ डी सी का हम ट्रेस ऑफ सी डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब भी हमने प्रूफ किया है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी हमने प्रूफ कर रखा है यहाँ से, तो हम क्या लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ डी सी को हम ट्रेस ऑफ सी डी लिख सकते हैं। अब सी डी यानी कि हमने सी डी, डी को हमने क्या माना था, देखो सी इनवर्स ए, यानी कि डी की जगह अब हम सी इनवर्स ए लिख देंगे, सी तो सी ए तो रहेगा, सी सी इनवर्स कितना होता है आई होता है हम सभी को पता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी आएगा, या आप याद रख लेना या फिर आप अब इसको खुद ही से निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स से ले लो, उसके बाद उन दोनों को आपस में उसको मैट्रिक्स से ले लो, कोई भी एक मैट्रिक्स से लो उसका इन्वर्स निकालो, फिर जब इन्वर्स निकल जाएगा और वो सिंपल जो मैट्रिक्स होगी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, जब हमारा ट्रेस ऑफ सी सी इनवर्स ए है तो इनको मल्टीप्लाई करके आई आया, तो ये आई ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मल्टीप्लाई के साथ करते हैं तो वही चीज आता है आई ए आता है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ आई ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो ट्रेस ऑफ आई ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, यानी कि जो ट्रेस ऑफ बी था जो हमने ये बी लिया था, ट्रेस ऑफ बी ट्रेस ऑफ ए के बराबर आ गया, ठीक है, समझ गए सभी लोग। यही था आज की वीडियो में, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर नहीं आई है तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती है हमारी क्या होती है, एक अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, अगर वो फील्ड एफ अप्लाई कर रही है, फील्ड एफ अप्लाई कर रही है, तो जो उसका जो ट्रेस होगा, उसका जो ट्रेस होगा वो क्या होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम को हम ट्रेस कहेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और कमेंट और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो भी अभी बीएससी बीए मैथ्स ग्रुप वाले हैं, उन सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अब क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस गया नहीं है, और मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, हाथ हाथ धोते रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय भारत।